डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के ऐसे महान दार्शनिक चिंतक विचारक जिन्होंने शताब्दियों से शोषित पीड़ित जनता के दुख दर्दों को वाणी दी और भारत की एक ऐसी बुराई को व्याख्यायित किया जो शताब्दियों से इस देश के अंदर कोड की तरह से चिपकी हुई थी, जाति प्रथा। उन्होंने एक लेख लिखा, जाति प्रथा उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और वो लेख उन्होंने पढ़ना था। जातपात तोड़क मंडल ने उनको 1936 में अपने सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया और उसके लिए उन्होंने एक लेख तैयार किया जाति प्रथा उन्मूलन नाम से। जब उसका लिखित प्रारूप उन्होंने जातपात तोड़क मंडल को भेजा तो उससे उनकी सहमति नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि भारत में जाति प्रथा का इतने शताब्दियों तक जो अस्तित्व रहा है उसका कारण ये है कि उसको धर्म से और हमारे शास्त्रों से मान्यता प्राप्त है। जब तक हम जाति प्रथा की जो धार्मिक वैधता है उसको समाप्त नहीं करते तब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। और इस बात को लेकर के जातपात तोड़क मंडल ने उनसे प्रार्थना की कि वो इसका कुछ अंश बदल दें, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस अंश को बदलने से इनकार कर दिया और ये भाषण नहीं हो सका। लेकिन बाद में भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा उन्मूलन के नाम से ये एक लेख छपा और पूरी किताब थी। इससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में कई लेख लिख चुके थे। इंग्लैंड में अमेरिका के विद्वान भी उनके लेखन का और उनकी शोध दृष्टि का लोहा मान चुके थे। इस लेख में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत विस्तार से लिखा। इस लेख में उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जो जाति प्रथा के कारण बहुत बड़े समाज को अमानवीयताएँ झेलनी पड़ती हैं। वो तो कहा ही कि कैसी कैसी परंपराएं महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद थी, किस किस तरह का उत्पीड़न और जुल्म सहन करना पड़ता था, उसका विवरण तो इसमें दिया है। जाति प्रथा के कारणों का, उसके बने रहने का, उसको दूर करने का, इन सब बातों के ऊपर भी एक समाजशास्त्री की तरह से, एक दार्शनिक और चिंतक की तरह से उन्होंने विचार किया। एक बात उसमें ये थी कि जो जाति प्रथा है उसने उत्पीड़न के कई तरीके इजाद किए हैं। जाति प्रथा के बारे में एक समर्थन जाति प्रथा का लोग करते रहे। अभी भी बहुत से लोग जाति प्रथा को एक ऐसी बात बताते हैं कि इसमें कुछ अलग नहीं है बल्कि ये तो वैसे ही है, ये श्रम का बंटवारा है, श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे सारी दुनिया में होता रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को बताया कि जाति प्रथा श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, क्योंकि जो श्रम का विभाजन होता है उस श्रम के विभाजन में जो श्रमिक होता है उसको चुनने की छूट होती है, लेकिन जाति प्रथा में चुनाव की कोई छूट नहीं है। जो पेशा परंपरागत तौर पे व्यक्ति को मिला उसको वही करना पड़ता, इसलिए इसे श्रम का विभाजन नहीं कहा जा सकता। और इससे भारत का बहुत नुकसान हुआ है, भारतीय समाज का। ये बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही और इसको बहुत सारे तर्कों से बताया। एक बात और जाति के बारे में कही जाती है कि ये तो, और अभी तक भी वो बात चल रही है कि जाति प्रथा तो नस्ल के लोगों का सामाजिक विभाजन है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात बताई कि ये कोई नस्लीय विभाजन नहीं है बल्कि एक ही नस्ल के लोगों के बीच में विभाजन है, सामाजिक विभाजन है। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि पंजाब के ब्राह्मण में और तमिलनाडु के ब्राह्मण में क्या समानता है, ना भाषा की ना खान पान की, और पंजाब के दलित में और दक्षिण भारत के दलित में क्या समानता है, कुछ भी नहीं। इसलिए ये एक ही गांव में एक ही नस्ल के लोगों के बीच में सामाजिक विभाजन है, एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अंदर ही ये सामाजिक विभाजित करती है, उसके स्तर बनाती है समाज के। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और बड़ी शानदार कही इसमें, जो भी समाज सुधारक
रूढ़ियों के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है और नए विचारों को प्रसारित करता है, उसको जाति से बहिष्कृत करके दंडित किया जाता है। जो सामाजिक बहिष्कार का जो तरीका है, जो सबसे गैर मानवीय तरीका है, जो मनुष्य के मानवीय, सामाजिक और प्राकृतिक जो उसकी ज़रूरतें हैं उन सब को पूरी करने से रोकता है। और कितने ही समाज सुधारकों के साथ जातियों ने इस तरह का व्यवहार किया है। तो जाति प्रथा इस रूप में जो नए विचार समाज में पनपते हैं और उनको पनपाने वाले लोग समय समय पर आते हैं, उनको दंडित करती है। पुराने विचारों को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा नामक जो संस्था है वो उसको बनाने में मदद करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और बात कही कि जाति प्रथा असल में जन चेतना को नष्ट करती है। जाति प्रथा एक जाति की चेतना पैदा करती है और जन की एक सामान्य जो चेतना होती है, वर्ग चेतना जो होती है, उस चेतना को नष्ट करती है जाति चेतना। इसलिए जाति प्रथा एक सामाजिक विभाजन है, वो चेतना का भी विभाजन है, जिसमें लोग जो अपने हित हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उन सब को छोड़ करके एक जाति के आधार पर ही सोचने लगते हैं। एक और बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही कि जो जन्म के आधार पर जाति है वो तो एक फंदे की तरह से है, ये एक सामाजिक फंदा है जाति प्रथा। इस रूप में भी उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की। एक और बात कहा जाती है, ये जाति प्रथा के समर्थन में कही जाती है, खास तौर पे ये आर्य समाजी लोग ज्यादा करते थे, कि जो चतुर्वर्ण है वो तो ठीक है लेकिन जाति प्रथा खराब चीज है। वो चातुर्वर्ण्य को आदर्श के तौर पर स्थापित करते हुए जाति की भर्त्सना करते हैं आर्य समाजी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि चातुर्वर्ण्य जो व्यवस्था है वे तो एक अपमानजनक पद्धति है और जाति प्रथा की माँ है चतुर्वर्ण व्यवस्था। इसलिए ना तो चतुर्वर्ण व्यवस्था स्वीकार्य है और ना ही उसकी जो बेटी है जाति प्रथा वो स्वीकार्य है। तो चतुर्वर्ण में और जाति प्रथा में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि चतुर्वर्ण में भी चारों वर्ण समान नहीं है, उसमें भी वर्णों में ऊंच नीच है। एक वर्ण के लिए जो पुरस्कार है दूसरे के लिए दंड है। एक ही अपराध के वर्ण व्यवस्था में अलग अलग सजाएं हैं। तो वर्ण व्यवस्था भी कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है, वो एक अपमानजनक पद्धति है। और वास्तव में तो उसी से ही जाति प्रथा का जन्म हुआ है। ये कहना कि वर्ण तो ठीक हैं पर जातियां खराब हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। असल में ये वर्ण की आड़ लेकर के जाति प्रथा को बचाने जैसी बात ही है। एक और बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही कि असल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को नष्ट करना ही सुधार का काम है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी का जो पूरा पुनर्जागरण है, जिसमें बड़े बड़े समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज के को बदला, उनकी रूढ़ियों के ऊपर उंगली लगाई, प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन जाति प्रथा को उन्होंने नहीं छुआ। चाहे उसमें हमारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनको बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं और वे बड़े आधुनिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन जाति प्रथा के बारे में वो चुप ही रहे। इसलिए जाति प्रथा को नष्ट करना ही सुधार है, क्योंकि जाति प्रथा का करती क्या है? जाति प्रथा, जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच को स्थापित करती है, वैधता प्रदान करती है। जाति के नाम पे जो शोषण है, जो अत्याचार है, जो उत्पीड़न है, उसको वैधता प्रदान करती है। इसलिए यदि जाति नाम की अवधारणा समाप्त होती है, असल में सुधार इसी का नाम है। ये एक पूरे हमारे पुनर्जागरण की सोच पे, सुधारकों की सोच पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है,
कि आखिर हमारे इतने बड़े बड़े संत महात्मा स्वामी वगैरह वगैरह हुए, उन सब ने जाति के सवाल को क्यों नहीं छुआ? आधुनिक काल में स्त्रियों के सवाल उन्होंने उठाए, बाल विवाह के, विधवा विवाह के, अस्पृश्यता का भी सवाल उठाया, लेकिन जाति प्रथा को जड़मूल से समाप्त करने की बात क्यों नहीं की? इसमें कौन सा आदर्श है और कौन सा भला इसमें समाज का होने वाला है जाति को बचा करके? इसलिए बड़ा जोर दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जाति को नष्ट करना है, यही सुधार है। जाति व्यवस्था को नष्ट करने का उन्होंने एक तरीका भी बताया, और वो तरीका बताया रोटी बेटी का संबंध, कि जब समाज में खाने का और रिश्तेदारियां बनेंगी तभी जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। उस समय पे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया था भाषण करने के लिए, आर्य समाज जात पात तोड़क मंडल, वे भी सहभोज में विश्वास करते थे और ऐसे आयोजन करते थे, लेकिन अलग अलग जातियों में, अलग अलग जातियों के युवक युवतियों में शादियां हों, इस पे वो सहमत नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पे जोर दिया कि यदि एक से विभिन्न जातियों के विभिन्न युवक युवतियों में शादियां होंगी तो जो सामाजिक विभाजन है, जो दूरी है, वो समाप्त होगी और एक न एक दिन जाति प्रथा जरूर टूटेगी। यही एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है। एक सवाल हम सबके दिमाग में उठता है कि जाति प्रथा अभी तक बची क्यों हुई है? डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में भी उठा कि महात्मा बुद्ध ने भी जाति के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और कई सौ साल तक उनका असर रहा। महात्मा कबीर, नानक, इन्होंने भी बड़े आंदोलन किए जाति के खिलाफ, लेकिन जाति प्रथा फिर भी कायम है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी आंदोलन किए सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर के, एक सत्यशोधक समाज बना करके, लेकिन फिर भी जाति प्रथा कायम है। तो उन्होंने ये बात इस पे विचार करते हुए बताया कि जाति प्रथा को वैधता प्राप्त होती है शास्त्रों से, धार्मिक ग्रंथों से, इसलिए जो धार्मिक ग्रंथों की सर्वोच्चता है उनको नष्ट करना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको समाप्त करना होगा। और यही वो बात थी जिससे जात पात तोड़क मंडल का विरोध था और ये भाषण नहीं उसका था। ये सबसे मुख्य बात है, क्योंकि भारत में लोग जाति प्रथा को एक बुराई मान के नहीं काम करते, बल्कि एक अच्छाई की तरह से पालन करते हैं, और जब तक वो एक अच्छाई के रूप में एक आदर्श व्यवस्था वो बनी रहेगी तब तक लोग जाति के आधार पे, जाति के अनुसार व्यवहार करते रहेंगे। भारत में धार्मिक आधार पे ये बात कही गई कि एक उच्च जाति का व्यक्ति, एक जिसको निम्न जाति कहा गया या शूद्र वर्ण कहा गया, उसका अपमान करे, ये कोई गुनाह नहीं है। वो तो अपने वर्ण धर्मों के हिसाब से, जातियों के हिसाब से, जो समाज में उनको बनाया गया है, जो पद दिया गया, उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इस जो धार्मिक व्यवस्था है, जो शास्त्रों से जो इसको मिलती है, उसको ही हमें नष्ट करना होगा। इसको नष्ट किए बिना जाति व्यवस्था का कोई समाधान नहीं है। इस तरह से जो जाति प्रथा उन्मूलन उनका लेख है, जो उन्होंने भाषण देना था, जो कभी दिया नहीं गया, लेकिन शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखी हुई ये सब बातें अभी भी गूंज रही हैं, और जब तक जातियां समाप्त नहीं हो जाती, ये लेख हमेशा एक शिलालेख की तरह से याद दिलवाता रहेगा डॉक्टर अंबेडकर को, और जो जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको यहाँ से हमेशा खुराक मिलती रहेगी।